नमस्कार, प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका भोजपुरी देसी ब्लॉग में। मेरा नाम है मोनिका। तो आज का मेरा ये वीडियो मेरे वेट लॉस वीडियो के थर्ड पार्ट से रिलेटेड है, जो कि है चेक योर वेट डेली। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमें वेट डेली क्यों चेक करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें वेट डेली क्यों चेक करना चाहिए। वेट डेली चेक करने से आपको आपके बॉडी वेट के प्रति अवेयरनेस मिलती है। जैसे कि कल आपका वेट क्या था, आज आपका वेट क्या है, उसको आप बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं। स्टडीज़ भी कहती हैं कि जो लोग अपना वेट डेली चेक करते हैं वो ज़्यादा वेट लूज करते हैं, पॉजिटिव ईटिंग और फिटनेस बिहेवियर को अपनाते हैं। जैसे कि हमारा वेट डेली चेंज होता है, बट ये हमारी डेली कैलोरी इनटेक जो कि खान पान और डेली कैलोरी बर्न जो कि एक्सरसाइज और एक्टिवनेस पे डिपेंड करती है। अगर आप अपना वेट वीकली चेक कर रहे हैं जो कि आपके डायरेक्टली वीकली कैलोरी इनटेक से रिलेटेड है, तो ऐसे में फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने उस पूरे वीक में क्या खाया। अगर आप अपना वेट डेली चेक करते हैं और अपने बढ़े हुए वेट से शॉक्ड हैं, तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं ये किस वजह से हुआ। डेली वेट चेक जो है वो आपको फूड हैबिट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप अपना वेट इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं कि ये घटा या बढ़ा, बल्कि आप अपना डेली वेट इसलिए चेक करेंगे कि ये किस वजह से हुआ। ये आपकी डेली रूटीन में से आपके खान पान और एक्सरसाइज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। और मेरा दूसरा पॉइंट है कि अगर आप अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, अपना गोल पा चुके हैं, अपना वेट लूज कर चुके हैं, तो आप अपना डेली वेट चेक करके उसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर साल में एक बार एग्जाम होता है, तो लास्ट में जो एग्जाम का प्रेशर होता है और जो रिजल्ट का प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम जो एग्जाम्स यूनिट वाइज देते हैं, मंथली वाइज देते हैं, लाइक सेमेस्टर वाइज देते हैं, उसमें क्या होता है कि हम उसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हमारा बर्डन काफ़ी कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है और जो हमारी तैयारी होती है वो उस हिसाब से होती है। तो रिजल्ट से पता चलता है कि हमें आने वाले एग्जाम के लिए कितनी और तैयारी करनी है, कितनी और मेहनत करनी है। जैसे कि हमने जो अपना गोल सेट किया था वो था हमारा एग्जाम का सिलेबस। हमने एक सिलेबस डिसाइड किया था जिसको हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया था। और हमारा जो ट्रैक योर फूड पोर्शन था वो था कि हमें एग्जाम में कैसी तैयारी करनी है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, तो वो था हमारा प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। और जो हमारा चेक योर वेट डेली है वो है हमारा एग्जाम्स। जब हम ये सब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे तो नो डाउट हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वेइंग मशीन से रिलेटेड, हम में से बहुत सारे लोगों के पास वेइंग मशीन है बट वो ऐसे प्लेस पे रखे रहते हैं जैसे कि उन पे हमारा रीच बहुत मुश्किल होता है। तो एक वेइंग मशीन के लिए हम अपने घर में एक पर्टिकुलर प्लेस बनाएं जहाँ पे हम हमेशा जा सकते हों, हमारे रीच बहुत ईजिली हो, ताकि हम उसे अपना फ्रिक्वेंटली वेट चेक कर पाएं। अब मेरा अगला पॉइंट है कि हम अपना वेट चेक कैसे करें। तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि एवरी मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कीजिए कि हमें किस टाइम पे डेली अपना वेट चेक करना है। और चूज करें कि हम हमेशा लाइट वेट क्लॉथ पहन के ही अपना वेट चेक करें। उसमें आप कोई भी ऑर्नामेंट्स ना पहने, वॉच ना पहने, ज्वेलरीज ना पहने, कोई भी जैकेट, हैवी जैकेट या शूज ना पहने। थर्ड और इम्पॉर्टेंट, जो आपका वेइंग मशीन है वो बिल्कुल प्लेन लेवल पे होना चाहिए, अदरवाइज लेवलिंग की वजह से इशू होता है और जो वेइंग मशीन में काफ़ी एरर शो करता है, तो आप उससे डीमोटिवेट हो सकते हैं कि अभी इसमें कुछ और वेट बता रहा था, अभी रीडिंग कुछ और आ रही है, तो मेक श्योर कि उसका लेवल ज़रूर चेक करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा वीडियो आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी सुझाव होगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई सवाल होगा वेट लॉस से रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछिए। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।